हीरो प्राइम, इस बंदे से मुझे तो बहुत डर लगा। आज मैं इस बंदे के बारे में पूरा कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ। पूरे इंटरनेट में जो भी चीज़ें मुझे मिला है वो सारा मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। अगर आपने वीडियो को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हीरो प्राइम आपके घर में आ जाएगा। कम ऑन, सब्सक्राइब करो ना, भगवान का काम होता है सब्सक्राइब करना। और हाँ, ये वीडियो आपको हिला कर रखने वाली है, तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एकदम एंड तक देखो। हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। पहले हम लोग देखेंगे कि हीरो प्राइम है कौन। हीरो प्राइम एक मिथिकल क्रिएचर है माइनक्राफ्ट का, जिसको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो एक हॉस्टाइल क्रिएचर है जो कि आपके वर्ल्ड के साथ छेड़छाड़ करता है। तो हीरो प्राइम का पहला चिन्ह था ये वाला पोस्ट। अगस्त में दिया गया ये पोस्ट में एक बंदे ने रिपोर्ट किया है कि उसने हीरो प्राइम को देखा है। इसका डेट था अगस्त 2010। अगर आप चाहो तो इसको पॉज करके पूरा रीड कर सकते हो, मगर मैं जल्दी से इसको स्किप कर रहा हूँ। इसका रिपोर्ट इस चीज़ में था कि वो कुछ ऐसा चीज़ देख कर आया था जो नॉर्मल माइनक्राफ्ट में मतलब होता ही नहीं है। जैसे कि ट्रीज जिसमें कोई लीव्स नहीं है, और 2x2 के छोटे से टनल्स, और वहाँ पर छोटे छोटे रेडस्टोन के टॉर्च। उस पोस्ट में दिया गया एक पिक्चर भी है यहाँ पर, जहाँ पर एक छोटा सा वाइट एंटिटी इस रेड सर्कल के अंदर दिख रहा है। ये फ़ोटो बहुत ही जल्दी में लिया गया था और ये फ़ोटो उतना पॉपुलर भी नहीं गया। अगर हम उस रेड सर्कल के अंदर जूम करें तो हम लोगों को एक ऐसा क्रीपी सा क्रिएचर देखने को मिलेगा, जिसका स्किन एग्जैक्टली स्टीव जैसा ही है, मगर उसके आंखें वाइट है। इसके ऊपर आपको कोई नाम देखने को नहीं मिलेगा, ना ही ये स्प्रिंट करता है, ना ही ये शिफ्ट करता है, ये बस एक कोने से आपको देखता है। ये अक्सर लोगों के सिंगल प्लेयर वर्ल्ड में ही आता है। ये वर्ल्ड बिल्कुल सिंगल प्लेयर था और यहाँ पर सिर्फ एक ही प्लेयर था, मगर मल्टीप्लेयर गेम प्ले इसमें ऑफ था, तो हीरो प्राइम कहाँ से आ गया? कोई हीरो प्राइम की स्किन पहनकर तो नहीं आ सकता यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लेयर गेम प्ले का ऑप्शन ऑफ था। और यही है वो मिश, जैसा कि मैं कुछ देर पहले कह रहा था, वो पिछले वाला पोस्ट ना ही उतना पॉपुलर था और कुछ ही पीपल ने उसको यकीन किया था, मगर इस वाले लाइव स्ट्रीम में हीरो प्राइम को अलग ही लेवल में लिया गया था। ये लाइव स्ट्रीम कोपलैंड ने किया था और ये एक लाइव स्ट्रीम था, मतलब लाइव में कोई भी कट या फिर एडिटिंग नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर हीरो प्राइम कहाँ से आ गया? यही एक प्रूफ है कि हीरो प्राइम रियल में एग्जिस्ट करता है। जैसा कि आप देख सकते हो, मैंने एक पर्टिकुलर टाइम में पॉज किया इस लाइव स्ट्रीम को, और आप सामने देख सकते हो कि वो हीरो प्राइम ही सामने खड़ा हुआ है। वो गलती से लावा पे गिर गया, और आप देख सकते हो यहाँ पर हीरो प्राइम कैसे उसको क्रीपी से लुक दे रहा है। स्ट्रीम में हीरो प्राइम कई बार अपीयर हुआ था, उसके डेथ स्क्रीन में, उसके घर के अंदर, और यहाँ पर इस क्रीपी से डार्क जगह पर। बहुत लोग ये भी मानते हैं कि उस बंदे ने एक पेंटिंग को रिटेक्चर करके हीरो प्राइम बना दिया था और बाकी सब उसका एक्टिंग था, मगर आज भी 10 साल बाद वो यही बोलता है कि वो रियल था। उसके बाद से हो गया हीरो प्राइम पॉपुलर, और यहाँ पर बहुत सारे क्लिकबेट थंबनेल्स थे, और वो बोलते थे कि उन्होंने हीरो प्राइम को देखा है, मगर वो क्लियरली फेक थे। कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि हीरो प्राइम को समन कैसे किया जाए, मगर ऑब्वियसली ये भी फेक था। बहुत सारे 5 साल के बच्चे इन वीडियोज़ को देखकर उसको ट्राई करने गए, और फिर वो वर्क नहीं किया ऑब्वियसली, क्योंकि ये क्लिक बेट है। और उसके बाद ही ऐसे भी बहुत लोग थे जिन्होंने कहा था कि हीरो प्राइम रियल है, और उन्होंने सच्ची पे उसको देखा। अभी हम लोग बात करेंगे कि हीरो प्राइम करता क्या है और उसका काम क्या है। तो बेसिकली हीरो प्राइम अब तुम्हारे वर्ल्ड को थोड़ा थोड़ा करके करप्ट करते जाता है, जैसे कि सी में एक डर्ट का बना हुआ पिरामिड, और बहुत सारे मॉसी कोबलस्टोन के क्रॉस, और इतना तक 2x2 के बहुत बहुत डीप होल्स जिसमें रेडस्टोन टॉर्चेस होते हैं। हीरो प्राइम जहाँ भी जाता है वहाँ पर रेडस्टोन टॉर्चेस के साइन दे जाता है, और
ऐसे भी फॉरेस्ट समन कर सकता है जिसमें एक भी लीव्स नहीं। हीरोब्राइन अपने आपके वर्ल्ड में रैंडम लाइटनिंग समन कर सकता है और इतना तक वो आपके गेम को क्रैश भी कर सकता है। उस समय ये चीज़ बिल्कुल पीक में था और लोग यूट्यूब में बस यही चीज़ सर्च करते थे। मतलब लोग यही सोचते थे कि ऐसा कैसे हो सकता है, एक गेम स्पेशली बच्चों के लिए बनाया हुआ में हॉरर चीज़ें कहाँ से आ सकती। इसी चीज़ के लिए हीरोब्राइन की थ्योरी इतनी दूर तक स्प्रेड हो पाई थी। नॉच ने ट्विटर में ये लिखा है कि हीरोब्राइन रियल नहीं है, मगर इस ट्वीट के बाद भी बहुत लोगों ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने हीरोब्राइन को देखा है और उससे मीट भी किया है और उनका गेम क्रैश भी हुआ है। हीरोब्राइन ने ये भी कहा था कि वो रियल नहीं है मगर वो बाद में हो सकता है। ये बहुत ही ज़्यादा क्रीपी दिख रहा था, पढ़ते ही इसको बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। मगर हीरोब्राइन फ्यूचर में कैसे कोई चीज़ हो सकता है, क्योंकि ओल्ड वर्जन में भी इसको हीरोब्राइन को देखा गया था। और हीरोब्राइन का पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा था 2013 में। इसका मतलब 2013 में हीरोब्राइन को बहुत लोग देख रहे थे और अगर हम लोग 2013 के वर्जन में जाए हमें हीरोब्राइन देखने को मिल सकता है। 2013 में ही ज़्यादा तक मेजर चेंजेस माइनक्राफ्ट में आने लगे, जैसे कि ये ही ले लो 1.7.2। ये अपडेट दुनिया को चेंज करने वाला था, जैसे कि 1.18। मगर ये तो बस शुरुआत थी। अभी हम लोग जानने वाले हैं कि हीरोब्राइन अभी वाले वर्जन्स में एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं। हीरोब्राइन एक माइनक्राफ्ट का लेजेंड है, ये आपको मानना ही पड़ेगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, माइनकॉन 18 to 19 November में जो आया था उसमें आपको ये छोटा सा एक पिक्चर देखने को मिलेगा जिसमें हम लोगों को हीरोब्राइन मिलता है। अजीब है ना, मैं भी यही सोच रहा हूँ कि हीरोब्राइन माइनकॉन में कैसे आ गया। मतलब माइनक्राफ्ट के क्रिएटर्स हीरोब्राइन को अपने माइनकॉन में कैसे ला सकते हैं। नॉच को लाया ठीक है, स्टीव को लाया ठीक है, क्रीपर को लाया ठीक है, मगर हीरोब्राइन कहाँ से आ गया। नॉच माइनक्राफ्ट क्रिएटर हर वर्जन्स के चेंज लॉग्स में दिखता है रिमूव्ड हीरोब्राइन, सारे वर्जन्स में रिमूव्ड हीरोब्राइन, रिमूव्ड हीरोब्राइन, रिमूव्ड हीरोब्राइन, रिमूव्ड हीरोब्राइन, ऐसे वो चले ही जाता है 1.16 तक। 1.16 के बाद नॉच ने वो रिमूव्ड हीरोब्राइन लिखना बंद कर दिया। 1.16 अपडेट के साथ एक ऐसा भी बायोम आया है जिसका नाम है सोल सैंड वैली। ऐसा भी हो सकता है कि सोल सैंड वैली में हीरोब्राइन रहता है